संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। श्लोक और बोले आलोके ते निपतति पुरा साबली व्याकुला। ते आलोके निपतति, ते माने तुम्हारे, आलोके माने देखने में, निपतति माने पड़ेगी, वो तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगी, तुम्हारे देखने में आएगी। कौन और किसके देखने में आएगी? तो ते से किसका बोध हुआ? मैं कहा आलोके माने पूरा माने पहले। जब तुम जाओगे तो हो सकता है तुम्हें पहली पहली बार वो मान लो सुबह सुबह पहुँचते तो कैसे दिखाई पड़ेगी। बोले सामाने वह यक्षिणी, मेरी यक्षिणी बलि व्याकुला वाह वाह माने अथवा बलि माने पूजा कर्म, व्याकुल पूजा कर्म में बिजी होगी, पूजा कर्म में व्याकुल होगी, पूजा कर रही होगी, भगवान शंकर से मना रही होगी, विष्णु भगवान की पूजा कर रही होगी कि हमारे लौटियाँ आवें, हमारे लौटियाँ आवें, जल्दी आवें, जल्दी आवें, हमको याद करें, हमको प्यार करें, कौनों से ब्याह न करें, कौनों कहती देखें ना, हमेशा गए हैं तो पढ़ें पढ़ें, ऐसी पूजा कर रहे हो। बलि व्याकुला सा, बलि व्याकुला कौन? वो यक्षिणी सा बलि व्याकुला पूजा कर में व्याकुल यक्षिणी को देखोगे पूरा माने पहले। कौन कह रहा है? यक्ष। आलोके माने देखने में आएगी, निपतत माने पड़ेगी, तुम्हारी नज़रों के सामने पड़ेगी मानो पूजा करती हुई। और मान लो पूजा करती हुई नहीं पड़ी तब क्या कर रही होगी? बहुत सारी संभावनाएं करता है, सवेरे सवेरे या शाम को पहुंचोगे तब तो पूजा कर रही होगी, अब दिन रात थोड़ी पूजा करेगी। मान लो किसी और समय में पहुँचे, दोपहर यहाँ पहुँचे, तब क्या कर रही होगी? बोले तब मत सादृश्यम विराह तनुवा भावगम्यम, भावगम्यम भावनाओं में आकर के, अनुमान में आकर के भाव देखो। 8 महीने से मेघ को नहीं देख, वो वृक्ष को नहीं देखी और फिर भी लिखंती, फिर भी हमारे बारे में हमारा चित्र लिख रही होगी, चित्र बना रही होगी, कुछ लिख रही होगी, तो जो भी वो करेगी वो सब कुछ भावगम्य करेगी। भावगम्य समझ आ गया? कल्पना करके कि जब वो थे तो ऐसे थे, अब 8 महीने बाद इतने पतले हो गए होंगे, गलवा थोड़ा चपका रही होगी हमारा चित्र में, नकुरा उठा रही होगी, वह गलवा चपकेगा तो नकुरा अपने आप उठ जाएगा, बोलो हाँ या ना, आँखी थोड़ा कुचुरियान कुचुरियान होगी। भावगम्य हम बता रहे हैं, भावनाओं से ही सारा चित्र बनेगा कि 8 महीने बाद मेरा प्रियतम हमसे दूर कैसा हो गया होगा, ऐसा भावगम्यम लिखंती। और हमारा शरीर मोटा नहीं, विरह तंग बनाएगी, विरह के कारण हमारा शरीर दुबला पतला बनाएगी। वैसे तो जब मैं उसके साथ था तब तो हृष्ट पुष्ट था, ठीक ठाक था, लेकिन अब जब वो मत सादृश्यम हमारा, हमारे सादृश्य मेरे जैसा मेरा चित्र बनाएगी तो बहुत सारा चित्र में अनुमान से बनाएगी, क्योंकि 8 महीने से वो हमको देखी नहीं है और विरह के कारण हमको कैसे बनाएगी? बोले विरह तनु कैसे बनाएगी, और ये सोचेगी कैसे? भावगम्यम ऐसे लिखती हुई माने चित्र बनाती हुई देखोगे, या तो पूजा करते हुए देखोगे और या तो मेरा चित्र बनाते हुए देखो ना। और तीसरी लाइन में कहते हैं कि प्रच्छन्ति वा मधुर वचना। बोले हमारे घर में एक सारिका है जो पंजर माने पिंजरे में स्था माने स्थित है, जो पंजरस्थाम सारिकाम जो पिंजरे में बैठी हुई सारिका है, मैना है, या तो उससे कुछ पूछ रही होगी, तो या तो पूछते हुए देखोगे, या तो चित्र बनाते हुए देखोगे और या तो पूजा करते हुए देखोगे। तो पूजा भी हमारे लिए कर रही है, चित्र भी हमारे हमारा बना रही है और पूछ भी हमारे बारे में रही है, हमारे बारे में पूछ रही। जो आदमी विरही होगा वो सबसे जब भी कोई बातचीत करेगा तो विरहिणी बात करेगी तो अपने विरही के प्रियतम के बारे में, और प्रियतम बात करेगा तो प्रियतमा के बारे में। यही कालिदास लिखना चाहते हैं कि क्या पूछ रही होगी? बोले पूछ रही होगी कि काचे भर तो हो स्मरासी रासी के कम ही है रसिके, संबोधन है, ऐ रसिके ऐ रस वाली ऐ रस भरी हुई मैंने क्या कच्चित माने कभी भरतु माने हमारे स्वामी को स्मरासी।
तुम भी कभी याद करती हो? क्यों? बोले तुम, चूंकि तुम ही माने क्योंकि, तस्य माने उनको प्रिया इति, क्योंकि तुम उनको बहुत प्रिय थी, वो तुमको बहुत मानते थे, तुमको बहुत प्यार करते थे, तुमको पढ़ाया करते थे। सारिका और ये मैना तोता कुछ ऐसे पक्षी होते हैं कि आपके वचनों का अनुसरण करते हैं। इसलिए पंजरस्थाम सारिकाम पृच्छन्ति निपतति, पिंजरे में बैठी हुई सारिका से पूछती हुई तुमको दिखाई पड़ेगी। और क्या पूछ रही होगी? वो पूछ रही होगी कि कच्चे भर तो हो स्मारसी रसिके। रसिके, रसिके संबोधन है सारिका का। रसीली सारिके, क्या तुम भी कच्चित माने कभी भर्तुर माने हमारे भर्ता को, प्रियतम को कभी स्मरसी? क्योंकि तुम तस्य उनको किसको? प्रिया इति, प्रियति बन गया ना, प्रिया इति, तुम उनको बहुत प्रिय लगती थी, बहुत प्रिय थी, तो क्या तुम्हें भी कभी उनकी याद आती है? ऐसा सारिका से पूछ रही होगी। तो हमारी पत्नी को तुम कैसे देखोगे? या तो बलिव्या खुलावा, या तो पूजा करने लगी होगी, या तो मत सदृशम विरह तनुवा भाव गम्यम लिखन थी, या तो हमारे जैसे कोई दुबले पतले आदमी का चित्र बना रही होगी भाव जगत में, भाव जगत मैंने अनुमान से हमारा चित्र बना रही होगी, और या तो पृच्छन्ती वा, या तो पूछ रही होगी मधुर वचना मीठे मीठे वचनों से, सारी काम सारिका से, जो पंजरस्थाम जो पिंजरे में बैठी है, तो पिंजरे में बैठी हुई सारिका से मीठे मीठे वचनों वाली सारिका, मधुर वचनाम सारिका, मीठे मीठे वचनों वाली सारिका से पूछ रही होगी कि ऐ सारिके ऐ रसिके, क्या तुम्हें भी कभी हमारे प्रियतम की याद आती है? क्योंकि वो तुमको बहुत मानते थे, तो क्या तुम भी कभी उनको याद करती हो? इस प्रकार से हमारी प्रियतमा को तुम देखोगे, या तो पूछते हुए देखोगे, या तो लिखते हुए देखोगे, या तो पूजा करते हुए देखोगे, सोते हुए नहीं देखोगे, बतियाते हुए नहीं देखोगे, नाचते हुए नहीं देखोगे, हंसते हुए, ये लिखा नहीं है, ये तो भावगम्य से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका प्रियतम दूर है वो बहलोल नहीं खेलेगी। बहलोल समझ रहे हैं? रात में कबड्डी खेलती हैं औरतें कभी कभी ना, तो बोले कि जो विरहतन जो विरहिणी स्त्रियाँ होती हैं उनको खेल कूद अच्छा नहीं लगता, उनको बातचीत अच्छी नहीं लगती, उनको वो तो भगवान से आराधना करेंगी कि जल्दी से बम्बई से लौट आवें। बोलो हाँ, तो मैं रामगिरी से जल्दी से लौट जाऊं ऐसा सोच रही होंगी। श्लोक एक बार पढ़ लीजिए और ये इस आने वाला सवाल, तो आने वाले इंपॉर्टेंट सवालों को भी देखते चलिए। बोले आलोके ते निपतति पूरा